लंदन में चीफ एग्जीक्यूटिव सीपीआईसी ज़ीशान शाह और वजीर सियाहत केपी के आतिफ खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ीशान शाह का कहना था इस्लामाबाद में बहुत जल्द नया तमीराती मंसूबा शुरू करने का इरादा है जबकि मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। मीडिया से बात करते हुए वजीर सियाहत केपी के आतिफ खान का कहना था कि सियाहत के फरोग के लिए पाकिस्तान में टूरिज्म जोन बना रहे हैं और दूसरा हम टूरिज्म जोन बना रहे हैं जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के लिए और बाकी दुनिया में भी ज्यादा नहीं है, कुछ जगहों पे है। उसमें होता यह है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल जोन होता है या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है कि इंडस्ट्रियल जोन में सिर्फ इंडस्ट्री होती है या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सिर्फ एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, इसी तरह टूरिज्म जोन होगा। टूरिज्म जोन में एक एरिया हम लेंगे, मिसाल के तौर पर 1000 कनाल जमीन हमने ली, उस एरिया को हम पहले मास्टर प्लानिंग करेंगे उसकी और उसमें सिर्फ टूरिज्म रिलेटेड चीजें होंगी और ओपन बिडिंग के जरिए उसको पब्लिक को ऑफर करेंगे, जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो उसमें। आतिफ खान का कहना था हम पाकिस्तान में टूरिज्म पुलिस बनाएंगे, टूरिज्म पुलिस सियाहों के साथ दोस्त की तरह काम करेगी। हम चाहते हैं कि हम टूरिज्म पुलिस बनाएं और वो इस तरह की पुलिस ना हो जिनको देख के लोग डरते हों, मतलब वो जो ज्यादा उनको उल्टा और मुसीबत में डाल देते हैं, उस तरह की पुलिस नहीं होगी। ये बेसिकली फैसिलिटेटर होगी, ये हेल्प करेगी टूरिस्ट जितने भी आते हैं उनके साथ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी उनको वो हेल्प आउट करेंगे या अगर कोई टूरिस्ट कोई जुर्म करता है तो भी उनको वो टूरिस्ट पुलिस हैंडल करेगी ताकि एक अच्छे तरीके से ट्रेंड पुलिस, कम्युनिकेशन पावर जिनकी हो, इक्विपमेंट जिनके पास अच्छा हो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, तो उनको इंशाल्लाह ताला वो हमने ऑन ग्राउंड कर दी है लेकिन ट्रेनिंग इस साल से हम उनकी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मीडिया से बात करते हुए आतिफ खान और सैयद ज़ीशान शाह का कहना था उसका बेसिक फायदा ये होगा कि वो एरिया सिर्फ टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होगा, तो एक तो नेचर या ब्यूटी खराब नहीं होगी, ये नहीं होगा कि किसी ने होटल बनाया है साथ में किसी ने दुकान बना ली, किसी ने दुकान के साथ अस्पताल बना लिया, तो ये एक प्रॉपर प्लान्ड टूरिज्म जोन होगा और इंशाल्लाह ताला मास्टर प्लान उसका पहले बनेगा, फिर उसके बाद सारी टूरिज्म रिलेटेड चीजें होंगी, ओपन बिडिंग के जरिए प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। और एक नया आइडिया है, पूरी दुनिया भी कम जगहों पे है लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला 4 जगह हमने सेलेक्ट कर ली है, वो अगर फाइनल हो जाती है उस पर काम शुरू हो जाता है तो फिर हम मजीद और भी बनाएंगे। माशाल्लाह आतिफ खान साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केपीके के अंदर, इनके इनिशिएटिव जो है बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, इन्वेस्टमेंट जोन जो बना रहे हैं, टूरिज्म जोन जो बना रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं एंड इंशाल्लाह इसमें हम इनकी सपोर्ट करेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। हम तो करते रहते हैं अपने चेंजिंग परसेप्शंस के टूर व्लॉगर्स को पाकिस्तान ले जाके और इंशाल्लाह इसके अंदर और भी करते रहेंगे। आतिफ खान साहब ने हमारी सपोर्ट भी की है एंड हालांकि मैं ये बात भी करूंगा कि ही इज ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू मिनिस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान जिसने रिकग्नाइज हमारी किए एफर्ट्स को और हमें सपोर्ट किया है। हमारे इंशाल्लाह बहुत प्लान्स आगे, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द डायरेक्शन पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है, हम आगे और भी इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम जो है इस टाइम पे एक मेगा प्रोजेक्ट देख रहे हैं इस्लामाबाद के लिए और बहुत जल्द उसके अंदर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अब्दुल मजीद, A1 TV एंड AAJ न्यूज, लंदन।